मनोज सिन्हा को जिस लोकसभा क्षेत्र ने बुरी तरह से हराया, जिस लोकसभा क्षेत्र ने अफजाल अंसारी को धूल चटाया, जिस लोकसभा क्षेत्र से 8-8 बार एक व्यक्ति को एमपी बनाया गया जो राजनीतिक ऊंचाइयों के अंतिम सोपान पर पहुंचा था, उस लोकसभा से आज किसी दल ने प्रत्याशी नहीं उतारा, वजह क्या है जानिए वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के बारे में। ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसने मनोज सिन्हा को बुरी तरह से हराया और पछाड़ दिया अफजाल अंसारी को भी, यानी दोनों कद्दावर नेता बुरी तरह से उस जगह से हार गए और दोनों सामान्य चुनाव नहीं लोकसभा का चुनाव हारे। दोनों लोग इस लोकसभा क्षेत्र से मतदाता भी हैं, ऐसा नहीं कि उठा हुआ चूल्हा था और दूसरी जगह पटक दिए गए। एक बार चुनाव हारने के बाद इन दोनों बड़े नेताओं ने पलट करके कभी उस लोकसभा के तरफ देखा भी नहीं। अभी तक उस लोकसभा से भाजपा और कांग्रेस सपा गठबंधन बसपा किसी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, पहले चरण की मतदान का नामांकन भी हो गया, नामांकन वापसी भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब दूसरे चरण वाला होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। यदि अतीत का स्मरण कर समय समय पर न बताया जाए तो तमाम घटित घटनाओं को लोग भूलते रहते हैं, शायद कुछ दिनों में हमारी पीढ़ियाँ इसे जान नहीं पाएंगी कि वह कौन सा लोकसभा क्षेत्र था जहाँ एक ही नेता को 8-8 बार वहाँ के लोगों ने लोकसभा में भेजा, 8 बार लगातार एमपी बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरों की धरती जवानों का देश, आगे तो आप बोल ही देंगे, नहीं बोलेंगे तो मैं बोल देता हूँ, वीरों की धरती, ऐसी धरती जो वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बागी बलिया के बारे में आज हम बताएंगे। बागी बलिया सबसे पहले आजाद हो गया था और अंग्रेजों को खदेड़ करके जेल से निकाला चित्तू पांडे और उनको डीएम बना दिया। निपट निरक्षर चित्तू पांडे जो पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी अंतिम जानकारी नहीं है, उनके घर पर जाकर के हमने वीडियो बनाया था, वह बलिया के डीएम हो गए और वहीं के स्थानीय किसी व्यक्ति को वहां का पुलिस अधीक्षक बना दिया गया। इन लोगों ने जिला चलाया भी। जिसने मनोज सिन्हा को लाखों अंतर से हराया वह नेता अब भारतीय जनता पार्टी में, समय की बात है कब किसका, और कुछ दिन में भूल जाएंगे, याद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस पार्टी में रहा। अच्छा, इस पार्टी में भी रहे हैं क्या? मैं कहूँगा कल्याण सिंह को भी लोग भूल गए होंगे कि कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाया था और समाजवादी पार्टी में भी गए थे, लोग भूल गए हैं। उमा भारती भी पार्टी अपना बनाई थी, जसवंत सिंह अपना पार्टी बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषयांतर न होते हुए आते हैं विषय पर, तो लोग जान नहीं पाएंगे कि कब किस कहाँ लोकसभा से किसकी उम्मीदवारी थी। सबसे बड़ी दावेदारी यहाँ देखी जा रही है जो वर्तमान में सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, 2019 में वह यहाँ से सांसद हुए और इस बार भी उनकी बड़ी दावेदारी देखी जा रही है। उसके बाद जो बड़ा नाम है वह है नीरज शेखर का, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के लड़के हैं। चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए, मतलब यहाँ से 8 बार लोगों ने उन्हें जिताया था और जब वह दिवंगत हुए तो उनके लड़के वहाँ से सांसद हुए। यदि देखा जाए तो 1989 में चंद्रशेखर सिंह, उसके पहले वाले चुनाव में चंद्रशेखर सिंह हार गए थे जगन्नाथ चौधरी से, कांग्रेस के नेता, 1984 में। 1989 से 2004 तक 8 बार लोकसभा में भेजा वहाँ के लोगों ने और अंतिम बार चंद्रशेखर सिंह रोते हुए वहाँ से निकले थे यह जान करके कि अब बलिया में नहीं आ पाऊँगा, ट्रेन निकलने वाली है, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हैं, आंसुओं से सराबोर है उनका चेहरा और लाखों की भीड़ स्टेशन पर और उन्हें विदा करने आई है और कह रहे हैं अब मैं बलिया नहीं आऊँगा। तो दोस्तों, यह रहा बलिया। आज हम बताने जा रहे हैं बलिया लोकसभा के बारे में, जहां से अभी तक किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर गुड़ागड़ित है, जातीय समीकरण के आधार पर अपने कैंडिडेट को लॉन्च करेंगे। बलिया एक ऐसा जिला है जहाँ की भौगोलिक सीमा में 3 संसदीय क्षेत्र हैं। अब आप कहेंगे बलिया में 3 लोकसभा कैसे आ गए? सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया लोकसभा की, जिसमें कुल 5 विधानसभाएं हैं। बलिया लोकसभा में 3 विधानसभाएं बलिया की आती हैं और गाजीपुर की 2 विधानसभाएं, जिसमें जहूराबाद एवं मोहम्मदाबाद। गाजीपुर जिले से दोनों विधानसभाओं को बलिया लोकसभा में शामिल किया गया है। गंगा और घाघरा दोनों नदियों के बीच बिहार और बलिया
का सीमांकन करती। एक तरफ बिहार का बक्सर और सारण छपरा है, एक तरफ देवरिया, तत्पश्चात मऊ एवं गाजीपुर की सीमाएं बलिया के चतुर्दिक व्याप्त हैं। 2019 में बलिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त ने किया था। अभी भी वे सांसद हैं टिकट की लाइन में। 67-68 वर्षीय मस्त जी बहुत तेजी से भारी शरीर के बाद भी दौड़ रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के लड़के नीरज शेखर, उपेंद्र तिवारी और कौन कौन लोग, उनके बारे में हम बता रहे हैं। अब जानिए, चंद्रशेखर सिंह के सुपुत्र नीरज शेखर सपा के सांसद रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में वे चले गए हैं। अछत छिड़क करके उन्हें शुद्ध कर लिया गया और प्रबलतम दावेदारों में से हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त और नीरज शेखर के बाद और भी प्रत्याशी बनने की प्रत्याशा में, जिसमें पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, राम इकबाल सिंह इत्यादि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी से कौन होगा प्रत्याशी, सनातन पांडे, राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय इत्यादि के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं और कौन लोग इस लाइन में लगे हुए हैं तथा बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में किसे उतार सकती है। बलिया लोकसभा सीट पर मनोज सिन्हा को लाखों मतों से परास्त किया था, लाखों मतों से अफजाल अंसारी भी यहाँ चुनाव में हार का मुंह देखे थे। फिर पलट करके दोनों नेताओं ने कभी बलिया की तरफ रुख नहीं किया। बलिया लोकसभा के बाद देवरिया के सलेमपुर लोकसभा की 3 विधानसभाएं बलिया में आती हैं, जिसमें बेलथरा रोड, सिकंदरपुर एवं बांसटी। यहाँ के सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा, जो 2014 एवं 2019 में जीत हासिल किए थे। इस बार भी कमल का फूल खिलाने के लिए वे मैदान में डटे हुए हैं, यद्यपि भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि विशेष कोई उल्लेखनीय योगदान वह गिना नहीं पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में बुरी तौर पर उनका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। मऊ जनपद की घोसी लोकसभा, जिसमें घोसी विधानसभा, मधुबन और मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ सदर के बाद बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट आती है। यहाँ के सांसद अतुल राय बहुजन समाज पार्टी से थे, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चल रहे मुकदमे की वजह से लोकसभा की शोभा नहीं बढ़ा पाए, जेल में ही रह गए और इस बार बहुजन समाज पार्टी से उन्हें टिकट न मिलने की बात कही जा रही है। घोसी की लोकसभा से भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर महीनों से ताल ठोके हुए हैं, मतलब जब से टिकट घोषित हुआ है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से राजीव राय को टिकट दिया गया है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता भी हैं और चुनाव लड़ने में सक्षम आर्थिक रूप से बताए जाते हैं, मिलनसार भी बताए जाते हैं। बलिया लोकसभा से प्रतिनिधित्व भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह मस्त ने 2019 से अब तक किया। वह किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इसके पहले 2014 में वे भदोही के सांसद थे। स्थानीय विरोध एवं मतदाताओं के विश्वास जीतने में बहुत हद तक सफल न होने के चलते भदोही से हटाकर उन्हें बलिया स्थापित किया गया। आप देखते भी हैं, कभी वरुण गांधी और मेनका गांधी को पलटा पलटी किया गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ वहाँ मम्मी, वहाँ बेटा, वहाँ मम्मी, ऐसे करते रहते हैं लोग। तो मस्त अभी भी जवानी की मस्ती में पूरी तौर पर हैं, पगड़ी बांधते हैं और भारी शरीर है लेकिन खूब मस्ताना अंदाज है। तो मस्त अभी चुनाव लड़ने लायक हैं, क्योंकि महेंद्रनाथ पांडे जैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो उनसे ज़्यादा पुराने हैं और अभी मार्गदर्शक मंडल में जाने लायक मस्त नहीं है, इसलिए टिकट की दौड़ में अपनी दक्षता का एहसास करा रहे हैं। लोकसभा में कमल का फूल फिर से खिलाएंगे और कह रहे हैं कि हमें इस बार भी एक मौका दिया जाए। चुनाव लड़ने के प्रबलतम दावेदारों में से नीरज शेखर बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की मृत्यु 8 जुलाई 2007 को होने के बाद बलिया संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़े नीरज शेखर। नीरज शेखर ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उस समय यह चीज़ें नहीं थी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लाखों वोटों से हराया। आप एक बार देख लीजिएगा, 1,39,000-40,000 कुछ होगा ऐसे। तो नीरज शेखर ने हराया मनोज सिन्हा को
राज्यसभा के सदस्य भी रहे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2009 से 2014 तक सांसद रहे। नीरज शेखर ने भी गंगा और सरजू मैया में डुबकी लगा लिया है। जैसा कि मैंने बताया, दुआबा क्षेत्र है, बड़ा जोरदार है, बड़ा उपजाऊ भूमि है, उर्वरा भूमि है। और जैसा कि मैंने सीमांकन के बारे में बताया, तो अपने आप को उन्होंने भी शुद्ध कर लिया है, दाढ़ी वाड़ी भी रख लिए हैं वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री जी की भी दाढ़ी है। हम कुछ कह नहीं रहे भैया, हमारे ऊपर कुछ ऐसा न लगे, यह थोड़ा मौज में भी करना चाहिए। जैसे स्वतंत्र देव सिंह है, उन्होंने भी वैसे ही दाढ़ी रखा है, प्रधानमंत्री जैसे वैसे ही कट कराते हैं, तो यह कोई हमारे ऊपर मानहानि नहीं होगी, मौज में कुछ ऐसा। तो और नीरज शेखर से बैठकों में हमारी मुलाकात होती थी जब हम जिला योजना में थे और वो अभी जिला योजना में थे, होता रहता था। अब नीरज शेखर जैसा कि हम बता रहे हैं कि एक प्रबल दावेदार हैं, कौमी एकता दल से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ लिए थे बलिया लोकसभा में 2014 से। 2014 में वह किसी दल में नहीं थे, कौमी एकता दल बनाया था, समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से शिवकन्या कुशवाहा को दिया था, जो बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी थी, और उन्हें हराया था मनोज सिन्हा ने। इधर 2014 में चले गए थे अफजाल अंसारी बलिया लोकसभा में, उनका भी विधानसभा उसी में आता है, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, गाजीपुर की 2 विधानसभा सीटें और बलिया की 3 विधानसभा सीटें। तो अफजाल अंसारी भी बुरी तरह से हारे थे, हार हुई थी भरत सिंह से, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, और भाजपा सरकार में वह मिनिस्टर भी रहे, विधायक रहे तो मिनिस्टर हुए। 2019 में भारी विरोध के चलते भरत सिंह का टिकट काट दिया गया और वीरेंद्र सिंह मस्त उम्मीदवार बने। वीरेंद्र सिंह मस्त ने मस्ती में चुनाव जीत लिया और सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार सनातन पांडे को लगभग 15-16 हज़ार मतों से हराया। यदि देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह मस्त को 4,69,114 मत मिले थे, वहीं दूसरे नंबर पर सनातन पांडे को 4,53,595 वोट मिले थे। हो सकता है हमारी मानवीय भूल भी हो सकती है, जी हाँ। सनातन पांडे इंजीनियरिंग किए हैं, वे गन्ना विभाग में इंजीनियर थे, बाद में राजनीति का नशा ऐसा चढ़ा कि वह छोड़ करके आ गए नौकरी, और 2002 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में उन्होंने प्रतिभाग किया, चुनाव हारे। उन्हें पता लग गया कि बिना दल के कुछ होने वाला नहीं है। 2007 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चिलकहर विधानसभा से विधानसभा में पहुँचे, और उसके बाद वह कई टिकट मिले उन्हें, चुनाव हार गए। इस बार सनातन पांडे, समाजवादी पार्टी उन्हें उतार सकती है मैदान में, क्योंकि जीत का अंतर काफ़ी कम का था। सनातन पांडे के साथ लोगों की सिंपैथी और हमदर्दी भी है, इनके परिवार के लोग, महिला और पुरुष ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, आप देख सकते हैं इसे। समाजवादी पार्टी के अन्य प्रत्याशियों में मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक के मुख्यमंत्रित्व काल में कई मंत्रालयों को धारण करने वाले वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तथा मुलायम सिंह यादव की सरकार के बाद अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी मंत्री रहे अंबिका चौधरी पर भी समाजवादी पार्टी विश्वास जता सकती है। हालांकि अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी के घर में भी घूम करके, खूब वहाँ खाना पीना खा करके, टटोल करके, देख करके, वहाँ का रास्ता देख करके फिर अपने पुराने घर में आ गए हैं। या कोई विषय नहीं रहा कब कौन कहाँ रह रहा है, विषय इसका है कि जाति आधार किसका कैसा है और कौन जीत दिला सकता है। यानी अन्य प्रत्याशियों की बात हम करते हैं, तो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे नारद राय, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत किया था, बाद में बहुजन समाज पार्टी में गए और पलटा मारते हुए फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। नारद राय मिनिस्टर रहे और अब समाजवादी पार्टी से लोकसभा के टिकट के उम्मीदवार बताए जाते हैं, दाव इन पर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जिनका अगले वीडियो में जिनका उल्लेख कर दूंगा, जो मोटा मोटा नाम हमारे सामने आया है। अब चलिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भरत सिंह आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही दल को और उस लायक भी नहीं रहे ऐसा बताया जाता है, जिन्होंने 2014 के चुनाव में लोकसभा बलिया का प्रतिनिधित्व किया। वीरेंद्र सिंह मस्त के बाद उपेंद्र तिवारी भी टिकट के दावेदार हैं, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शुरू किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फेफना से सपा के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी को हराया था और सरकार में मिनिस्टर बने थे। 2022 के चुनाव में उपेंद्र तिवारी को समाजवादी पार्टी के नेता संग्राम सिंह यादव ने हराया।
उपेंद्र तिवारी चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। अपनी सक्रियता, कर्मठता और दल के प्रति वफादारी को आधार बनाकर के वह टिकट मांग रहे हैं। वहीं अगले प्रत्याशी हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, जिनकी पढ़ाई शिशु मंदिर से हुई। दक्षा आर्म नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तोदर्थ, यानी ध्वज प्रणाम जिन्होंने किया है और आईटीसी ओटीसी जो भी किए होंगे वह संघ के पसंदीदा हैं। विधायक बने, मिनिस्टर बने, पहली बार विधायक दोनों लोग बने थे, फिर मंत्री बने, तो वो अभी एक बड़े दावेदारों के रूप में माने जाते हैं। 2017 में जीत हासिल किया और फिर 2022 के चुनाव में भाजपा विधायक और चर्चित नेता सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर उन्हें बैरिया से लड़ाया गया, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश अंचल, जिनके पिता भी विधायक और मिनिस्टर थे, उनसे चुनाव हार गए। सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा तो उन्होंने निषाद पार्टी का टिकट लेकर दमदारी से प्रदर्शन किया, चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन आनंद स्वरूप शुक्ला को हरा दिया। बैरिया विधानसभा फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल के कब्जे में है। 2017 विधानसभा के चुनाव में भाजपा बैरिया से विधायक भाजपा के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह ने सीमा तोड़कर कई मुद्दों पर भाजपा का विरोध किया। जब जैसे हरिजन बनाम सवर्ण का अध्यादेश लाया गया तो उन्होंने रैली निकाला था। कुछ लोगों के हत्या हत्या के मामले में भी बताया कि हमारा कार्यकर्ता है यह, और उस पर भी लड़ाई किया। इससे भाजपा की आंख की किरकिरी बने रहे, सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा तो निषाद पार्टी से उतर गए मैदान में। अपने तो चुनाव नहीं जीता लेकिन शुक्ला जी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। अब शुक्ला जी फिर से टिकट मांग रहे हैं और सुरेंद्र सिंह पता लगा है कि घूम घाम करके टहल करके फिर से गंगा स्नान कर लिए हैं और वो अभी अब टिकट मांग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त के कट्टर विरोधी बताए जाते हैं और यदि वीरेंद्र सिंह मस्त को टिकट मिला तो वह सीमा तोड़ करके इन्हें हराने में लग जाएंगे। जैसा है अब नेताओं का क्या है, कब कैसा, पल में तोला, पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे, ऐसा ही है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। संभव है वह अपने इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह को उतार सकती है अथवा किसी अन्य को भी, कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अभी जब दोनों दलों के प्रत्याशी आ जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी वहां से अपना प्रत्याशी उतारेगी। घाघरा और नंदा गंगा नदी के बीच जिसे द्वाबा कहते हैं, इसी लोकसभा में आता है समग्र क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा, और यह लोकसभा क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमांकन भी करता है। आइए जानते हैं क्या है जातीय समीकरण पांचों विधानसभाओं को लेकर के। दोस्तों यदि देखा जाए जातीय समीकरण तो यहाँ 18 लाख मतदाता हैं पाँचों विधानसभाओं में मिलकर के। बलिया लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य बताया जाता है, लगभग 3 लाख मतदाताओं की संख्या यहाँ है और 2.5 लाख के लगभग यहाँ यादव मतदाता हैं, और इसी अनुपात में यहाँ राजपूत और दलित भी बताए जाते हैं। 1 लाख के लगभग यहाँ अल्पसंख्यक, यानी हाँ अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या है। बांदा के कारागार में निरुद्ध, बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है मुख्तार अंसारी की, जिसे लेकर बलिया, मऊ, आजमगढ़ एवं अन्य कुछ जनपदों में प्रभाव पड़ सकता है। अंसारी, मुख्तार अंसारी का फाटक भले ही गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में है किंतु उनकी विधानसभा यूसुफपुर मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा में आती है। बलिया लोकसभा से भाजपा, सपा, बसपा एवं अन्य राजनीतिक दल अपने किन प्रत्याशियों को उतारते हैं, चुनाव कैसा रहेगा, कौन लड़ेगा, कौन मैदान मारेगा, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल मनोज सिन्हा को जिस लोकसभा क्षेत्र ने बुरी तरह से हराया, जिस लोकसभा क्षेत्र ने अफजाल अंसारी को धूल चटाया, जिस लोकसभा क्षेत्र से 8-8 बार एक व्यक्ति को एमपी बनाया गया जो राजनीतिक ऊंचाइयों के अंतिम सोपान पर पहुंचा था, उस लोकसभा से आज किसी दल ने प्रत्याशी नहीं उतारा, वजह क्या है जानिए वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के बारे में। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।